देखो बच्चों 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, ये क्लास 11th का है। देखो बच्चों ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन, एक चक्का जो है 360 चक्कर लगाता है एक मिनट में 360, यहाँ पर लिख लो 1 मिनट, MINUT 1 मिनट में 360 बार चक्कर लगाता है, LUTION परिक्रमण करता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, मतलब रेडियंस में मुझे फाइंड करना है एक सेकेंड में कितना रेडियंस बनाएगा, एक मिनट में 360 चक्कर लगाता है कोई चक्का, तो एक सेकेंड में वो चक्का कितना घूमेगा और उस चक्का द्वारा बनाए गए एंगल को मुझे फाइंड करना है। तो देखो बच्चों 1 मिनट में इतना, तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 360 रेवोल्यूशन, तो इसीलिए 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड में, तो डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया 6 रिवोल्यूशन, यहाँ पर क्या हो गया बोल 6 रिवोल्यूशन, मतलब 1 सेकेंड में जो है सो वे 6 चक्कर लगाएगा, 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाएगा वो चक्का जो है सो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा 6 चक्कर लगाएगा। अच्छा आप लोग जानते हैं जो एक चक्कर लगाने यहाँ कोई पार्टिकल है, एक चक्कर लगाने पर 2π रेडियन का एंगल बनाता है, हम जानते हैं 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है 2π रेडियन, रेडियन में 2π रेडियन और डिग्री में 360 डिग्री, इसीलिए 6 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन बनेगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 रिवोल्यूशन 6 चक्कर लगाया गया है, हम जानते हैं 1 रिवोल्यूशन में होता है 2π रेडियन, इसीलिए 6 रिवोल्यूशन में बराबर क्या हो जाएगा 6 × 2π, यहाँ पर क्या हो गया 12π रेडियन हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, रेडियस दे दिया है 100 सेंटीमीटर और आर्क दे दिया है 22 सेंटीमीटर, आर्क का मतलब होता है एल से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर देख लो बच्चों फिगर कर देते हैं, ये आर हो गया और ये जो देख रहे हैं यही आर्क है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, बीच में क्या हो जाता है थीटा, आप लोग जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है एल अपॉन आर क्या हो जाता है रेडियन, नहीं तो रेडियन को यहाँ पे सी से भी डिनोट कर सकते हैं आप लोग जैसे, तो मुझे क्या करना है इसको थीटा फाइंड करना है, तो आप जानते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे एल का वैल्यू क्या दिया है 22 सेंटीमीटर और रेडियस का वैल्यू कितना दे दिया है 100, यहाँ पर लिखिए 100, लेकिन ये रेडियन में है इसको मुझे डिग्री में मेजर करना है, तो 22 बाई कर देंगे यहाँ पर जो है सो 100, तो हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रेडियन में है तो इसको लिख सकते हैं 180 बाई पाई, टोटल का टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 नहीं है तो ऊपर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, ये जीरो से, अच्छा यहाँ पर 180 है, जीरो से ये जीरो हो जाएगा कैंसिल, ये 22 से 22 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच जाएगा ये 18 और 7, तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पर है 18 सत्य हो जाता है 126 भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, अब क्या करना है ये टोटल का डिग्री में है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये वाला 12 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 6/10, ये भी डिग्री में ये भी डिग्री में, 126 डिग्री बटे 10 है, इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 6/10, अब इसको क्या करना है मिनट में चेंज करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 6/10, अब 1 डिग्री बराबर जानते हैं ना 1 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 60 मिनट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60 मिनट, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और 6 4 कितना हो जाएगा 36, तो 12 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 36 मिनट, यहाँ पर लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट, ये हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर, एक सर्कल है उसका डायमीटर कितना दे दिया है, डायमीटर बराबर दे दिया 40 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। द लेंथ ऑफ पोर्ट, देखो बुआ यहाँ पे ये डायमीटर ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द कोड यही ना लेंथ ऑफ द कोड है, लेंथ ऑफ द कोड भी क्या दे दिया यहाँ पर है ये 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर थीटा है एंगल है ये 20 सेंटीमीटर,
अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मतलब यही माइनर का मतलब होता है छोटा, मुझे एल को डिफाइन करना है। तो देख रहे हैं डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर, आर निकाल दिए तो 40/220 सेंटीमीटर, तो ये आर ये भी आर क्योंकि रेडियस इक्वल होते हैं, देखो यहाँ पर। और यहाँ पर जो दे दिए हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ये कोड का वैल्यू दे दिया है, जीवा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग चाप। तो अब देख रहे हैं ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 से ये 20 सेंटीमीटर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जानते हैं एवरी एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा बराबर हुआ है क्या निकल गया 60 डिग्री है। और 60 डिग्री हम जानते हैं 60 डिग्री को क्या रेडियन में चेंज करना है, तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60 × 1 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 60 × π/180 डिवाइड कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर π/3 रेडियन में चेंज हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है, तो हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है एल अपॉन आर, एल बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा, एल बराबर क्या हो जाएगा आर थीटा, आर का वैल्यू क्या हो गया π/3, नहीं नहीं आर का वैल्यू क्या है 20 और थीटा का वैल्यू क्या हो गया π/3, तो यहाँ पर 20π/3 आ गया रेडियन में आंसर। अब हम बोलिए ना ऑलरेडी।